यूपी के मदरसों में सर्वे की जंग अब दिल्ली तक आ गई है। योगी सरकार के सर्वे के आदेश से बौखलाए मुस्लिम संगठन जमियत उलमा हिंद दिल्ली में बैठक कर रही है। बैठक में तमाम मुस्लिम नेता मौजूद हैं। योगी सरकार का दावा है कि सर्वे का मकसद मुस्लिम बच्चों का बेहतर भविष्य बनाना है, लेकिन मुस्लिम संगठन न सिर्फ इसे एजेंडा बता रहे हैं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ इसे साजिश करार दे रहे हैं। आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? सर्वे से हम ये पता लगाएंगे कि वहाँ पे वो कब से मदरसे चलना है। मदरसे पर छिड़ी है महाभारत, मदरसे की तालीम पर है संग्राम, मदरसे के सर्वे पर है सवाल। योगी सरकार ने यूपी के मदरसे पर सर्वे का आदेश क्या दिया? लखनऊ से लेकर दिल्ली तक घमासान छिड़ गया। उलेमा, मौलाना, मुस्लिम धर्म गुरु से लेकर सियासतदान तक योगी सरकार के फैसले पर तमतमाए हुए हैं। भारत में मुसलमानों की सबसे बड़ी संगठन जमियत उलेमाए हिंद ने पहले ही विरोध का ऐलान कर दिया। आज दिल्ली में जमियत की बैठक हो रही है जिसमें विरोध पर मोहर लगेगी, आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार का एक फैसला मुस्लिम समुदाय की नज़र में फिलहाल खटकने लगा है, क्योंकि योगी सरकार ने यह आदेश दिया है कि पूरे सूबे में जितने मदरसे हैं उनका सर्वे किया जाए। अब उस सर्वे के फैसले को लेकर के जो मुस्लिम समुदाय है उन्होंने आपत्ति जताई है, और उसको लेकर के जमियत उलेमाए हिंद जो मुस्लिम समाज की एक बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है उन्होंने बैठक बुलाई। अब यूपी के मदरसे पर योगी सरकार का सर्वे वाला फैसला आते ही जमियत ने नियत पर सवाल उठा दिया था। जमियत उलेमाए हिंद के प्रमुख महमूद मदनी ने तो मदरसों को बर्बाद करने का प्लान बता दिया था। हम परेशान हैं यकीनी तौर पर, जिस तरह से मदरसों पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से मदरसों को के ऊपर बुलडोजर की पॉलिटिक्स पूरी चल रही है, तो ये पूरे हिंदुस्तान की सालमियत के लिए खतरा है। हम इसको महसूस करते हैं कि आपस का भाईचारा और हमारा जो कसीरुल मजहब यानी कि जो मुख्तलिफ मजाहिब के लोग बाग हैं उनको रहने के जो हकूक हैं उन पर कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है, तो हम लोग परेशान हैं। ओबीसी तो सर्वे के फैसले से इस कदर आग बबूला है कि उन्होंने इसे मिनी एनआरसी करार दे दिया। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सर्वे का मकसद ही खतरनाक है, उसका इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ होगा। आप जब ये डेटा जमा करेंगे, डेटा क्या करेंगे आप? आप डेटा इस्तेमाल करेंगे उन मदरसों के खिलाफ, तो एनआरसी का मकसद भी है। एनआरसी जब होगा तो डेटा मिलने के बाद मुसलमानों को परेशान किया जाएगा, उसके बाद एंड में स्टेटलेस कर दिया जाएगा, यही तो मकसद है एनआरसी का। तो इसलिए मैंने कहा छोटा एनआरसी है, बल्कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार से खुलकर कह रहा हूं कि आप बोल दीजिए कुरान मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो, चेहरे पे दाढ़ी मत रखो। यूपी सरकार सर्वे को मदरसे की बेहतरी से जोड़ रही है, इसे मुस्लिम बच्चों के लिए मील का पत्थर बता रही है, इसे आधुनिक शिक्षा की दिशा में कदम बता रही है। मैं अगर मदरसा खोलता हूँ तो अपने इस्लामिक तौर तरीके उनको सिखाने के लिए, इस्लामिक फिक्र सिखाने के लिए, उनको मौलाना बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक ही नहीं है, और संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूँ, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलूँ, इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं, और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। अब इस सर्वे से हमारा मकसद ये है कि ऐसे कौन कौन से मदरसे हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं, उसका सर्वे होना चाहिए, उसका डेटा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। वहाँ पे सर्वे से हम ये पता लगाएंगे कि वहाँ पे वो कब से मदरसे चल रहे हैं, वहाँ कितने छात्र पढ़ रहे हैं, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, ताकि ओवरऑल हमारे पास एक डेटा हो, एक हमारे पास ओवरऑल सारी जानकारी हो, ताकि हम भविष्य की कोई भी योजनाएं जब बनाएं तो सारी जानकारी हमारे पास रहेगी तभी बनाएंगे। इसके साथ साथ हमको एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट भी गवर्नमेंट को मालूम होनी चाहिए। योगी सरकार ने यूपी के ऐसे मदरसों के सर्वे करने का आदेश दिया है जिन्हें मान्यता नहीं मिली है। सभी जिलाधिकारियों को 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट देने को कहा गया है। सर्वे की इस टीम में SDM, BSA और अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल रहेंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त मदरसे नहीं है, वहाँ पढ़ रहे हैं,
इन सारी चीजों की जानकारी लेना। मदरसों के सर्वे का फैसला राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की सिफारिश पर लिया गया। आयोग ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से अपील की, जिसे योगी सरकार ने गंभीरता से लिया। सरकार का कहना है कि यूपी में कई ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मसलन ये कैसे चल रहे हैं, किस हाल में है, इसे कौन चला रहा है, यहाँ बच्चे कैसे पढ़ते हैं, शिक्षकों को कितना वेतन मिलता है। ऐसे कौन कौन से मदरसे हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे हैं, उसका सर्वे होना चाहिए, उसका डेटा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। वहाँ पे सर्वे से हम ये पता लगाएंगे कि वहाँ पे वो कब से मदरसे चल रहे हैं, वहाँ कितने छात्र पढ़ रहे हैं, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, ताकि ओवरऑल हमारे पास एक डेटा हो, एक हमारे पास ओवरऑल सारी जानकारी हो, ताकि हम भविष्य की कोई भी योजनाएं जब बनाएं तो सारी जानकारी हमारे पास रहेगी, तभी बनाएंगे। इसके साथ साथ हमको एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट भी गवर्नमेंट को मालूम होनी चाहिए। तो मदरसे सरकार की निगाह में अगर कहीं के ऊपर कोई रिपोर्ट है उसकी कि यहाँ से कोई गतिविधि सही नहीं हो रही है, तो उसको चिन्हित करें, ना कि सारे मदरसों के ऊपर कोई कार्रवाई करें, लिहाजा ऐसा हरगिज होने नहीं दिया जाएगा। और मदरसे के नाम पर रोजाना अखबार में कोई नई हेडलाइन जारी कर देना और फिर एक बयान दे देना और फिर एक स्कीम लागू कर देना, ये कतई तौर पर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के हक में नहीं है। उनसे उनका इसका मनोबल टूटता है। यकीनी तौर पर जो बच्चे एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, रोज रोज नए नए विवाद को लेकर इस तरीके की जब चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल भी टूटता है। मदरसों पर जंग नियत को लेकर है, भरोसे को लेकर है। विपक्ष और मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि मकसद हिंदू मुसलमान करना है। वहीं योगी सरकार का कहना है कि बिना कुछ जाने मदरसों को आधुनिक कैसे बना सकते हैं। आखिर सवाल मुस्लिम बच्चों का है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।